सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। लास्ट लेक्चर में क्या क्या थोड़ा रिवाइज कर लेते फटाफट। वी स्टार्टेड विद रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन थी हमने देख ली थी लास्ट टाइम, सोडियम की, और सोडियम को केरोसिन में क्यों रखते हैं। मैग्नीशियम की रिएक्शन देख ली थी। आज हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वॉटर। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एक्सप्लोसिव रिएक्शन। तो एक्चुअली पिक्चर सोडियम का विद वाटर है, तो इसका रिएक्शन एक्चुअली रिएक्शन है सिंपल है बच्चों, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। बट यू शुड नो हाउ द फ्लो इज एंड यू शुड प्रैक्टिस इट प्रॉपरली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस नहीं करते बराबर से। ठीक है बेटा, सो देख लो अच्छी तरह से अभी। सो व्हाट कैन आई से फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट कैन आई से, सोडियम and potassium react vigorously and rapidly with water. And liberates hydrogen gas. अब इसका रिएक्शन देखना बेटा अच्छी तरह से समझ। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला याद रखना, मेटल जब भी पानी के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तुमको हाइड्रोक्साइड मिलने वाला है। अब कैसे मैं तुमको दिखाता हूं। सोडियम रिएक्ट्स विथ वॉटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, लॉजिकल भी है ना। देखो ना, H2O क्या होता है, HOH होता है, तो NaOH आ गया और H हाइड्रोजन 2 के फॉर्म में होता है, डायटोमिक फॉर्म में होता है, तो H2 निकल गया। इसको बैलेंस करना है अपने को, और क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करो हमेशा, यहां पर ऑक्सीजन एक है, यहां पर एक है, हाइड्रोजन दो है, यहां पर तीन है। तो यहां पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो सोडियम 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो गया, तो हाइड्रोजन 4 हो गया। तो इस तरह से तुमने बैलेंस कर दिया। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर बच्चा पार्टी, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, फिजिकल स्टेट लिखो हमेशा। तो सोडियम कैसा है, सॉलिड है, वाटर हमेशा लिक्विड के फॉर्म में होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी इन एक्वस, वाटर में है, एंड हाइड्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, एंड दिस इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चैप्टर नंबर 3 में तुमको बताया एक्सोथर्मिक का मतलब अ लॉट ऑफ हीट इज गिवन आउट। तो बेसिकली दिस इज एग्जांपल, हां ये वाला हीट इज गिवन, ये सोडियम को पानी में डालोगे तो ऐसा ही होएगा बेटा। ठीक है, खतरनाक तरीके से रिएक्ट करता है वो। सिमिलरली पोटेशियम रिएक्ट विद वॉटर, अगेन इट विल फॉर्म HOH है ना, KOH, एंड हाइड्रोजन गैस इज गिवन आउट अलॉन्ग विथ हीट। अगेन फिजिकल स्टेट लिखने का, राइट द फिजिकल स्टेट बेटा, ये मैंने ट्रिक बता दिया आपको कैसे याद करना है। राइट द फिजिकल स्टेट बेटा, पोटेशियम इज अ मेटल, तो इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी सॉलिड, इट इज गोइंग टू बी लिक्विड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्वियसली इन वॉटर, तो एक्वस होगा। हाइड्रोजन इज अ गैस, इसको भी बैलेंस कर दो बेटा सेम तरीके से। तो H2O, या पर H3 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2K हो जाएगा, इधर आ गया H2, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 इधर आ जाएगा। तो इस तरह से बैलेंस इक्वेशन जो है बच्चों बैलेंस हो जाएगा। बच्चों नाउ लेट अस सी द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम। ठीक है, एकदम सिंपल है। कैल्शियम बेटा याद रखना, कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली, लेस विगरसली।
ठीक है बेटा, तो कैल्शियम व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर अगेन इट विल फॉर्म, जैसे कैसे आगे बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सेम यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, सेम कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटा। CaOH twice, हाइड्रोजन गैसेस रिलीज्ड, लेकिन यहां पर हीट वगैरह नहीं निकलेगा बेटा, इतना खतरनाक रिएक्शन नहीं होता यहां पर, ये काबू में रहता है अपने। कैल्शियम इज सॉलिड लिक्विड, दिस इज एक्वेस पानी में एंड दिस इज गैस, ठीक है बेटा। देखो बेटा इसका इसका वो देख लो, बैलेंसिंग बहुत इजी है, ये चार हाइड्रोजन है H2 H2, तो यहाँ पर टू आ जाएगा, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, दो हो गया, तो यहाँ पर भी दो हो गया। कैलकुलेट करो ना, हाइड्रोजन फोर हो गया, ऑक्सीजन टू हो गया, सो नाउ दिस इज द रिएक्शन। बट नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, कैल्शियम खतरनाक तरीके से रिएक्ट नहीं करता एकदम। सो अगर मैं ये लू, बीकर लू एक, और इधर अगर कैल्शियम है समझो मेरा, तो बेसिकली हाइड्रोजन गैसेस रिलीज्ड, तो देखो खतरनाक रिएक्शन तो नहीं होता एकदम, वो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है ना, सरफेस पे कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बच्चा वो सरफेस पे कलेक्ट हो जाता है। देखो होता क्या है, मैंने क्या बोला, कैल्शियम बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, खतरनाक रिएक्शन नहीं होता सोडियम और पोटेशियम की तरह, और बेटा वो मेटल के सरफेस पे कलेक्ट हो जाता है, ये कैल्शियम है ना, रेड कलर का कैल्शियम है, उसके सरफेस पे कलेक्ट हो जाता है हाइड्रोजन गैस, एंड इस कारण से बेटा मेटल ये कैल्शियम फ्लोट करता है यहाँ पर, उसको लेकर आता है ना ये हाइड्रोजन, उसके अटैच्ड है कैल्शियम से, उस कारण से बच्चों फ्लोट करता है। सो इधर क्या लिख सकता हूं मैं, द हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन कलेक्ट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल। एग्जाम में क्यों रीजन आ सकता है बेटा, ये इन द फॉर्म ऑफ बबल्स एंड मेटल फ्लोट्स ऑन वाटर। सो दिस पैरा इज इंपॉर्टेंट बच्चा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो जाता है मेटल के सर्फेस पे, एंड देन इट टेक्स द मेटल टुगेदर एंड फ्लोट्स ऑन द वाटर। ठीक है, देयर आर सम मोर रिएक्शंस, जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, तुम देखोगे ना बेटा ये रिएक्ट नहीं करते हॉट या कोल्ड वाटर के साथ, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते खाली, प्लस वाटर और ये ऑक्साइड बनाएगा अपना अपना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना, फेरिक ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, एंड ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैसेस रिलीज्ड। ठीक है बेटा, दिस इज सॉलिड, सॉलिड ऑब्वियसली सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, ऑल द ऑक्साइड्स आर सॉलिड इन फॉर्म, एंड दिस इज ऑल गैशियस। ओके बेटा, इफ यू लुक एट बैलेंसिंग इट्स क्वाइट सिंपल, H2 है, O है, O3 है, तो यहाँ पर मैं 3 डाल देता हूँ, तीन ऑक्सीजन हो जाएंगे, हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन होते, यहाँ पर 3 डाल दूंगा मैं, एल्यूमिनियम 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है बेटा, सो इन दिस वे यू कैन एक्चुअली बैलेंस, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 4 है, तुम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हाइड्रोजन 8 हो गए, यहाँ पर 2 ही है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 आयरन है, तो यहाँ पर 3 हो गया,
तो ओरली भी कर सकते हो, तुम इतनी प्रैक्टिस तुम्हारी हो जानी चाहिए चैप्टर नंबर 3 से कि तुम ओरली कर पाओ बच्चों। या पर ऑक्सीजन एक है, या पर ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो, दिस इज सेल्फ बैलेंस्ड, नॉट अ प्रॉब्लम। सो ये तुम्हारा बैलेंसिंग के साथ रिएक्शन हो गया बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करना बेटा, ईजी है, ऑक्साइड बना रहा है अपना, दैट्स इट, एंड हाइड्रोजन गैसेस रिलीज्ड। याद क्या करना है, तीनों भी डू नॉट रिएक्ट विथ हॉट और कोल्ड वाटर। ये तीनों भी स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, स्टीम के साथ, एंड सॉरी स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे तो मेरी गलती हो गई, ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं बच्चा, स्टीम, एंड स्टीम इज व्हाट, स्टीम इज व्हाट, गैशियस, रियली सॉरी, गैशियस, करेक्ट कर लो बेटा, गैशियस। अच्छा नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स, बहुत सिंपल है ये भी, लेट्स टेक मेटल एल्यूमिनियम आयरन जिंक एंड एसिड वी विल कंसिडर इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। वेरी सिंपल बच्चा, वेरी सिंपल, क्या होगा देखो, सिंपल है, समझना एकदम, MgCl साथ में आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज, यहां पर एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा AlCl 3 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड, इधर भी FeCl 2 प्लस हाइड्रोजन गैस, इधर भी जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो बेसिकली ये Mg और Cl साथ में आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ गैस। And all this is our aqueous. All these things are aqueous. So basically, ये acid है तुम्हारा, strong acid है। तो हुआ क्या होगा? देखो, Mg और Cl साथ में आ गए होंगे और hydrogen gas release हो गया। हर बार ऐसे ही हो रहा है। देखो अभी यहाँ पर Cl एक है, यहाँ पर दो है। Two आ गया, तो दो hydrogen, simple है। एक Cl है, तीन Cl है। एक hydrogen, दो hydrogen। तो यहाँ पर तुम क्या करो? Two से multiply कर दोगे। दो चक्कर में क्या हो जाएगा, दो क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पर तीन क्लोरीन है, तो काम करो इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर सिक्स क्लोरीन हो जाएगा, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पर सिक्स क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पर सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, अब हाइड्रोजन छह हो गया, थ्री से मल्टीप्लाई करो, दो एल्यूमिनियम हो गया, टू से मल्टीप्लाई कर दो, वेरी सिंपल, यहाँ पर अभी Cl हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, 2Cl, 2Cl, एक आयरन और दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, दो क्लोरीन, दो क्लोरीन, दो हाइड्रोजन, एक जिंक, तो ये बैलेंस हो गया बच्चों, इट्स ऑब्वियसली सॉलिड, ओके बेटा, दिस इज ऑब्वियसली सॉलिड एंड दिस ऑल आर एक्वस, ठीक है, so beautiful reactions, simple reactions beta, now very important for examinations. तो reaction of metal with nitric acid, बच्चे बड़े गाली देते हैं ऐसे reactions को, ठीक है, तुम मत देना, तो first is copper, it reacts with nitric acid, HNO3 होता है nitric acid, और यहाँ पर हम कैसा लेंगे, concentrated लेंगे, तुमको मैंने चैप्टर नंबर 3 में बताया है कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, पानी कम है, इट रिएक्ट्स टू फॉर्म, देखना बेटा, डरना मत, ये प्लस 2 मोल्स ऑफ NO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, यहां पर क्या बन रहा है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बन रहा है, इसको बोलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब जिस हिसाब से नाइट्रिक एसिड होगा बच्चों उस हिसाब से बनेगा, अब देखो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड था तो NO2 बना, अगर मैं डाइल्यूट ले लू, अगर मैं डाइल्यूट ले लू, अगर मैं डाइल्यूट ले लू तो ये तो इसका प्रॉब्लम नहीं है, बट तुमको ये मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ NO को बैलेंस कर लेते, चलो डायरेक्ट नहीं लिखता मैं, तुमको बैलेंस बता दूंगा, प्लस
फोर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर टू मोल्स ऑफ NO2 मिल रहा है, यहाँ पर टू मोल्स ऑफ NO मिल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सेंट्रेटेड के डाइल्यूट है। तो लेबोरेटरी में ये सब चीजें बहुत केयरफुली करते लोग, दिस इज फोर मोल्स, टू मोल्स, एट मोल्स, थ्री मोल्स, ठीक है। सो इसको लिख दो बेटा पहले तो यार, फिजिकल स्टेट इज रिटन टू मेक इट मोर इन्फॉर्मेटिव, तो लिख लो, ये सॉलिड फॉर्म में है, डोंट वरी बोर्ड्स में मैं गारंटी बोलता हूँ ये नहीं आएगा, ठीक है बच्चों, जो भी देख रहे हैं गारंटी देता हूँ कि नहीं आएगा, बोर्ड्स में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, स्कूल के टीचर ने पूछ लिया तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन बोर्ड्स पे संतुष्ट है ना, ऐसे तो नहीं पूछते वो लोग, फिर भी कर लेना इनकेस आ जाए तो, टू बी ऑन द सेफर साइड। सो या तीन कॉपर विल कम, तो यहाँ पर थ्री है तो यहाँ पर भी थ्री आ जाएगा, ओके okay?